नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरी और आपकी चैनल वर्चुअल टेक में। दोस्तों इतने दिनों से मेरे चैनल पे वीडियो आए नहीं आए, तो देखिए दोस्तों मेरा तबीयत खराब था और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हुआ था तो मेरा जो मोबाइल जिस मोबाइल से मैं वीडियो शूट करते है तो वो मोबाइल खराब हो गया, तो इसीलिए मैं नया मोबाइल खरीद लिए जो इसका नाम है ओप्पो F9। इसी मोबाइल से अभी आज वीडियो हो रहा है। तो दोस्तों ये मोबाइल जो खरीद ले इसीलिए देर हो गया, मोबाइल खरीदने में पैसे जोगाड़ करने में देर हो गया, तो इसीलिए आप लोगों के लिए वीडियो लेकर नहीं आ पाए। लेकिन दोस्तों आज से मैं आपको वादा करते कि आज से आप लोगों के लिए लगातार वीडियो लेकर आऊंगा और हर एक वीडियो पे आपको बहुत सारे फायदा होगा। तो दोस्तों आज वीडियो कुछ अलग है, जैसे कि मैं आज आप लोगों के सामने Realme 3 अनबॉक्सिंग करने वाले। Realme 3 ये प्रोडक्ट मैं फ्लिपकार्ट से खरीदे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का पैकेज है। तो सबसे पहले ये पैकेट को मैं ओपन कर दिए क्योंकि मेरे को चेक करना है कि इसमें मोबाइल है कि नहीं, इसीलिए ये जो पैकेज है इसको ओपन कर दिया। तो अभी के सामने मैं इसको पूरे के पूरे वीडियो करके दिखाऊंगा, सबसे पहले इसको अनबॉक्सिंग करूंगा। तो दो तीन दिन पहले मैं इसको ऑर्डर किए, तो आज जो मेरे को फ्लिपकार्ट ने डिलीवरी कर दिए और आज ही मैं ये जो ओप्पो F9 इसको भी डिलीवरी किए, तो इसीलिए आज इसको मैं आप लोगों के सामने वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों चलिए अनबॉक्सिंग करके दिखा देते हैं। अनबॉक्सिंग करने से पहले आप लोगों के पास ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप शुरू से एंड तक देखो और वीडियो को पसंद आए तो अपने तरफ से लाइक कर देना और अपने सबसे पहले देख लो कि Realme 3 कैसे प्रोडक्ट, मतलब ये मोबाइल कैसे है, तो उसके बाद ये आप चाहो तो इसको ऑर्डर भी दे सकते हैं। और दोस्तों इसका प्राइस कितना है सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, तो चलिए वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं इसके ऊपर एक रैपर है, तो इसे खोलने के लिए मैं एक नाइफ यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये रैपर को काट कर लेते हैं। इसमें जो रैपर है उसको ओपन कर लेते हैं। तो उसके बाद देखो दोस्तों ये Realme 3 का एक कवर आ गया, तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। तो मैं ओपन करके दिखा देते। तो ओपन करने से पहले मेरे को एक पॉपअप मिला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो पिन है वो इसके अंदर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका पिन इसके अंदर है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पिन है। तो उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं इसमें अंदर एक जो केस मिला है मेरे को, तो सबसे पहले काफी सुंदर एक केस है, सॉफ्ट है ये केस। और मेरे को जो डिटेल्स मिला है कैसे यूज करना है ये मोबाइल को, तो सब कुछ लिखा है, तो आप एक बार इसको देख सकते हैं। छोड़ दो, साइड में रख देते हैं इसको। तो उसके बाद मेरा जो मोबाइल वो मेरे को मिल गया, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये Realme 3 का मोबाइल, काफी सुंदर है मोबाइल। ये जो कलर है ये है डायनामिक ब्लैक, जो काफी सुंदर मिला है प्रोडक्ट और मेरे को देखने में तो बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं, तो और भी देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है, तो इसको साइड कर देते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो मेरे को एक चार्जर मिला है, एक डेटा केबल और एक एडाप्टर मिला है, तो मैं चार्ज करके आपको दिखा दूंगा कि चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो ये सबको साइड में कर देते। और दोस्तों मैं आपके सामने ये मोबाइल को ओपन कर लेते हैं, तो सबसे पहले मैं लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते, ठीक है, तो इसको कंटिन्यू कर देते, उसके बाद वाईफाई को स्किप कर देते, दोस्तों इसको मोर कर लेते, एक्सेप्ट कर लेते। तो उसके बाद इसको जो सेटिंग, इसको अभी स्किप कर देते, तो बाद में इसको सेटिंग कर लूँगा और इसको कंटिन्यू कर लेते, इसको कंटिन्यू और सेट ए न्यू रियलमी फ़ोन। तो अभी दिखा रहा है कि कलर वेज सिक्स देख लीजिए दोस्तों, तो इसको स्टार्ट कर लेते। ये है मेरा मोबाइल, तो आपके साथ दिखा देते, तो काफ़ी सुंदर है मोबाइल। तो सबसे पहले मैं इसको फ्रंट साइड में कर लेते, तो इसका सबसे कैमरा क्वालिटी चेक कर लेते एक बार। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं इसका डिस्प्ले भी कितना सुंदर है ये डिस्प्ले। तो मैं आपको आपके सामने इसका जो बैक साइड का कैमरा वो चेक करके दिखा देते हैं, इसका बैक साइड का कैमरा कितना। दोस्तों एक बड़ी बात है कि इसमें मिनिमाइज का जो ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ दो ही बटन है, मिनिमाइज का बटन नहीं है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ऊपर से स्वीप करना है,
तो जैसे ही स्वीप कर दिया तो आप यह देख सकते हैं मिनिमाइज का ऑप्शन आ गया। तो सबसे पहले तो अभी मैं आपको दिखा देते हैं कि इसका जो बैक साइड का कैमरा, तो मैं अभी दिखा देते हैं इसका जो बैक साइड का कैमरा। और सबसे पहले मैं यहाँ पे फोटो सिलेक्ट करके दिखा देते, इसका कैमरा क्वालिटी है, काफ़ी सुंदर कैमरा क्वालिटी है। और मैं अभी इसको पोर्ट्रेट मोड में दिखा देते हैं कि इसमें ब्लावर कैसे हो, कितना हो रहा है। तो आप यह देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर ब्लावर भी हो रहा है। तो दो तीन फोटो मैं आपके सामने दिखा भी दूंगा। मैं जो फ्रंट कैमरा है, काफ़ी सुंदर फोटो आया मेरा, तो आप यह देख सकते हैं। तो अभी दोस्तों मैं आपके सामने इसका मेनू बार चेक करके दिखा देते हैं। तो ऐसे करके आप मेनू को सर्च कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए इसमें जो डिस्प्ले है ये वाटर डॉप 6.2 इंची फुल एचडी डिस्प्ले। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सुंदर ये प्रोडक्ट, इसमें डुअल कैमरा है और फिंगरप्रिंट सेंसर भी है और जो फेस अनलॉक भी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सुंदर ये प्रोडक्ट। और नीचे में स्पीकर है, अब ये देख सकते हैं इसमें एक हेडफोन का प्लग है और एक चार्जर का प्लग है। काफ़ी अच्छी है प्रोडक्ट। और ओप्पो में आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों देखो यहाँ पे वॉल्यूम बटन है, ये वॉल्यूम का प्लस बटन है और ये वॉल्यूम का माइनस बटन है। और यहाँ पे जो है इसमें पावर बटन है, तो मैं आपके सामने दिखा देते हैं पावर बटन, जो पावर बटन ऑफ करके दिखा देते हैं। दोस्तों काफ़ी सुंदर ये प्रोडक्ट मिला है मुझे। और दोस्तों मैं आपके सामने इसमें देखो दोस्तों, इसमें जो सिम स्लॉट है, तो सिम स्लॉट आपको एक बार चेक करके दिखा देते हैं सिम स्लॉट को। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 स्लॉट है, जैसे कि सिम 1, सिम 2 और एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन भी है। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही 4G है, तो आप इसको 4G में यूज़ कर सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट, इसमें 3 GB रैम एंड 32 GB इंटरनल मेमोरी, और ये दो प्रोडक्ट है, एक और है जो 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल मेमोरी। और दोस्तों देखो इसका जो प्रोसेसर है LPE 70 मिला है इसमें। और दोस्तों इसका जो डिस्प्ले है 6.2 इंची का फुल डिस्प्ले। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो वाटर ड्रॉप डिस्प्ले मिला है मेरे को। बजट में दोस्तों जो अगर आप 3 GB और 32 GB का मोबाइल लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको खर्च करना पड़ेगा 8,999 रुपये। और दोस्तों आपको 4 GB और 64 GB का मोबाइल चाहिए, तो उसके लिए आपको खर्च करना पड़ेगा 10,999 रुपये। जो बजट में काफ़ी सुंदर है ये प्रोडक्ट मिला है, जो मेरे को तो बहुत अच्छे लगे। तो मैं आपके सामने इसको जो फिंगरप्रिंट इसको यूज़ करके दिखा देते, जो फिंगरप्रिंट कैसे काम कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपके सामने इसका फिंगरप्रिंट जो लॉक है इसको ओपन करके दिखा देते हैं। दोस्तों तो सबसे पहले इसको लॉक कर दिए, उसके बाद ओपन करते हैं। तो देखो दोस्तों कितना स्पीड है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्विक कितना क्विक मिल रहा है। तो दोस्तों देखो इसमें फिंगरप्रिंट है जो बहुत सुंदर ये फिंगरप्रिंट मिला है। और दोस्तों इसमें जो प्रोसेसर मिला है, जो LPE 70 सबसे लेटेस्ट जो प्रोसेसर है वो मिला है इसमें अंदर। और दोस्तों इसमें देखो इसमें जो OS है उसका अच्छे 9.1 पाई मिला है इसके अंदर। तो काफ़ी सुंदर मिला है प्रोडक्ट, सब कुछ लेटेस्ट वर्जन दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। जो 3 GB और 32 GB का प्राइस है 8,999 रुपीज़, एंड 64 GB एंड 64 GB इंटरनल मेमोरी का इसका जो प्राइस है 10,999 रुपीज़। और दोस्तों ये मेरा पहला अनबॉक्सिंग वीडियो है, अगर कोई गलती है तो आप माफ कर देना, कि दोस्तों गलती तो हो ही सकते ना। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता देना, अच्छा लगा तो अपने तरफ से लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर। तो इसका इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप लिंक मिलेगा वर्चुअल टेक का, तो उसी ग्रुप में ज्वाइंट हो जाना, क्योंकि सबसे पहले कोई भी ऑफर आते तो सबसे पहले मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते। और दोस्तों देखो हर एक ऑफर के लिए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो इसीलिए दोस्तों ग्रुप में ज्वाइंट हो जाना। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बता देना, अच्छा लगा तो अपने तरफ से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। तो फिलहाल आज की वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुशी रहो।